हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल डिंकी फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की डेट है 26 तारीख। तो अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूं और अभी टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं अभी। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो देखिए, सभी अपने अपने छतों पर जो है तिरंगा लहरा रहे हैं। और ये देखिए, आज 12 बजे के बाद अच्छी धूप निकली थी और अभी मैं स्कूल से आ गई हूँ। और देखिए, सब ने अपने अपने छतों पे झंडा जो है तिरंगा झंडा फहरा लिया है। और देखिए कैसे हमारा तिरंगा जो है शान से लहरा रहा है आसमान में। तो अब जो है शाम के 7 बज चुके हैं और मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं जब स्कूल से आई तो रास्ते में ही मुझे विशाल भी मिल गया था नानी घर से, वो भी आज आ गया है। तो जैसे ही मैं ऑटो से उतरी तो वो भी दूसरे ऑटो से उतर चुका था। तो हम मेरे साथ ही वो घर आया, तो उसका एग्ज़ाम है यहीं आसपास में ही, इसलिए वो आज आया है नानी घर से। तो आज मैं उसके लिए बना रही हूँ सेवई पूड़ी और सब्जी। तो कल मैंने भी आलू और गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, इसलिए आज मैं आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है सेवई भुनने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है 1 चम्मच के करीब, और उसमें मैं सेवई डालकर और उसको भून लूँगी। और मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है कि क्या मैं अपने ब्लॉग में स्कूल का वीडियो बना सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो अगर आप लोगों को इसकी जानकारी है तो प्लीज़ मुझे अपनी राय दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैं बना सकती हूँ या नहीं। तो सभी के कहने पर मैंने आज गणतंत्र दिवस का जो वीडियो है स्कूल का वो अपलोड कर दिया है। तो मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है क्योंकि अभी मुझे YouTube के सारे गाइडलाइंस का पता नहीं है। तो अगर आप लोगों को ज़रा से भी जानकारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और आज स्कूल में जाकर वहाँ पे झंडोत्तोलन करके बहुत ही आनंद आया, मन को एक सुकून मिला। और उसके बाद जब मैं आई थी तो आज जो है राष्ट्रीय पर्व के दिन राष्ट्रीय मिठाई जो जलेबी है वो खाया जाता है। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड जलेबी ले आए थे, तो सबको सब लोगों ने मिलकर दोपहर में जलेबी खाई थी। और स्कूल में तो यहाँ की फेमस जो मिठाई है मिर्जई कहते हैं उसको, वो ही दिया जाता है। यहाँ के अधिकतर स्कूलों में मिर्जई बाँटा जाता है, यहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई उसको कहते हैं। तो मेरे मायके तरफ तो वहाँ भी झंडोत्तोलन जब भी होता है 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, तो जलेबी ज़रूर दी जाती है, लेकिन यहाँ मिर्जई दी जाती है सभी को। सभी का मिर्जई से ही मुंह मीठा कराया जाता है। तो स्कूल में सभी को मिर्जई के साथ बिस्कुट और मिक्सचर भी दिया गया था सभी बच्चों को, और हम लोगों ने भी खाया था। और ये देखिए, मैं डेली का जो दूध लेती हूँ 1 केजी, वो भी आयुष देने आ गया था। और ये हाट से भी दूध लाए हैं 2.5 केजी, तो मैं उसी का आज सेवई बनाऊंगी, क्योंकि आज 26 जनवरी है तो कुछ मीठा बनाना तो बनता ही है। तो इसीलिए मैं आज सेवई बना रही हूँ, और इसके लिए मैंने दूध को छान लिया है। तो मैं 1.5 केजी के करीब दूध लूँगी सेवई बनाने के लिए, और दूध मैं रख दूँगी, कल मुझे खीर भी बनाना है, तो इसके लिए मैं और दूध बचा कर रख देती हूँ। और देखिए सेवई भुन चुकी है, तो मैं उसे उतार कर नीचे रख लेती हूँ। और एक तरफ अभी जो है सब्जी भुन ही रही है, तो दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है सेवई बनाने के लिए। जब वो उबल जाएगा तो मैं उसमें भुना हुआ जो सेवई है वो डालूंगी। तो अभी मैं कुकर में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून लेती हूँ, और इसमें मैंने काली मिर्च भी साथ में ही पीस लिया था। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा देर जो है अदरक लहसुन डालकर भून लिया है, और अब मैं इसमें डेली यूज के मसाले डालूंगी, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर, और साथ में मैं टमाटर नमक और हरी मटर भी ऐड करके और साथ में ही भून लूंगी। और सब्जी में भी मेरे पास गोभी भी था, बट मैंने उसे नहीं डाला है, क्योंकि कल भी मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी आलू गोभी की, इसलिए तो इसलिए आज मैं सिर्फ आलू मटर और गाजर की ही सब्ज़ी बना रही हूँ टमाटर डाल के, क्योंकि एक ही तरह की सब्ज़ी डेली अच्छी नहीं लगती है, मन उब जाता है खाने से, इसलिए।
तो सब्जी में मसाले जो हैं अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तो अब मैं उसमें एक गिलास पानी डाल देती हूँ। ये इतने पानी में ही हो जाएगा क्योंकि कुकर में ज़्यादा पानी नहीं लगता है। और पानी डाल के मैंने इसे मिला लिया है और अब ढक्कन बंद करके एक सीटी आने दूंगी। और जब एक सीटी आ जाता है तो मैं उसे 5 मिनट के लिए कम आँच पर ही रहने देती हूँ और मेरी सब्जी जो है बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए दूसरी तरफ दूध जो है उबल चुका है अच्छे से और उबल के थोड़ा सा चूल्हे पे भी गिर गया है। तो अब मैं इसमें भुना हुआ जो सेवई है वो मैंने डाल दिया है और डाल के उसे चला के मैं ढक दूंगी। और इधर सब्जी भी मेरी बन चुकी है, इसमें सीटी आ गया था और थोड़ी देर मैंने इसे कम आँच पर भी रख के बना लिया था। तो अब मैं इसका गैस ऑफ कर देती हूँ। और अभी मैं आटा लगा रही हूँ, तो आटा मैं रोटियों का ही लगा रही हूँ क्योंकि विशाल ने पूरी खाने से मना कर दिया है। तो मैंने कहा कि मैं पराठे बना देती हूँ, बट उसने पराठे भी खाने से मना कर दिए हैं क्योंकि उसने सवेरे भी नानी घर पूड़ियाँ ही खाई थी, तो इसलिए वो ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खाना चाहता था। तो बोला कि मम्मी सादी रोटी ही बना दो, तो इसलिए मैं सबके लिए रोटियाँ ही बना रही हूँ। तो आटा मैंने लगा के रख दिया है और अब देखिए मैं सब्जी देख लेती हूँ। मेरी सब्जी जो है हो चुकी है, तो अब मैं इसमें धनिया के पत्ते जो मैंने काट के रखे हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं सब्जी का कलर बहुत अच्छा आया है। तो कुकर में भी सब्जी बहुत टेस्टी बन जाती है, तो इसलिए आज मैं कुकर में मैंने बनाया है। और पानी मैंने एकदम हिसाब से डाला था, तो इसमें पानी एकदम परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो अब मैं इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ और इसे उतार कर नीचे रख देती हूँ। तो अब मेरी सेवई जो है पकने ही वाली है, तो अब मैंने इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी ऐड कर दिया है, जितना हम लोगों को मीठा पसंद है उस हिसाब से। और इसमें मैंने 2 इलायची भी कूट के डाल दी है। तो आप इसमें अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी नहीं था, मेरे पास सिर्फ सूखा नारियल था, वो भी कहाँ रखा है मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसे सिर्फ सिंपल सादा ही बनाया है। तो सब्जी और सेवई दोनों बन चुके हैं और मैंने साथ में खाने के लिए बादाम और धनिया की चटनी भी पीसी है। तो अब मैं रोटियां बना लेती हूं। और देखिए मैंने 3-4 रोटियां ही बनाई थी कि मेरा गैस जो है ख़त्म हो गया। तो खैर कि मैंने पहले से एक भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ था, तो विशाल ने लगा दिया और इस बार गैस जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि गैस इस बार बहुत लीक कर रहा था। जब भी मैं गैस सिलेंडर चालू करती थी तो वहाँ से गैस का रिसाव होने लगता था। मैंने दिखाया भी था जो गैस सिलेंडर देने वाले आते हैं भैया उनको, फिर भी ऐसा ही रहा। तो अब मैं खाना निकाल देती हूँ विशाल के लिए। वो जलेबी खाने के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था आज, तो मैं उसके लिए पहले खाना निकाल देती हूँ। और अब मैं अपनी वीडियो का एंड भी यहीं पे करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, और चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।